शनिवार की दोपहर मोटरसाइकिल से सवार दो खोहबाज एक महिला का पर्स ते मोबाइल फोन खो के फरार हो गए। इस संबंधी जतेंद्र कुमार ने दसिया कि उसकी पत्नी रिचा तनेजा एक्टिवा ते अपने पेके घर नू जा रही सी तां रस्ते विच माया टावर नेड़े मोटरसाइकिल सवार दो खोहबाज उसकी पत्नी का पर्स ते मोबाइल खो के फरार हो गए, जो कि जाते हुए उसनू धक्का दे के हेठां सुट गए, जिस कारण वह जख्मी हो गई। जतेंद्र कुमार अनुसार उसकी पत्नी के पर्स में 7-8 हज़ार रुपए की नकदी, बैंक के कार्ड से होर जरूरी कागजात सन, जिस बारे पुलिस ने सूचित कर दिया गया है। वाइफ नू इस तरह भी अज आ रहे थे अपने सहुरिया तो पेके आ रहे थे इधरली साइड रतनपुरे आ गए तो रस्ते में माया टावर के कोल के दो अणपछाते मोटरसाइकिल अणपछाते लड़के थे मोटरसाइकिल के उत्ते उन्होंने घेर लिया, घेर के लुटखो की लुटखो करके तो उन्होंने धक्का मार के एक्टिवा से सट के चले गए ते मोबाइल पर्स सब कुछ खो के ले गए। कोई कैश भी की थी? कैश भी सी बीच ओदे। किन्ना थी का कैश? 7-8 हज़ार रुपया कैश सी, बाकी कार्ड सी, डेबिट कार्ड सी, क्रेडिट कार्ड सी, बाकी होर महंगा समान सी। पुलिस नु सूचना देते तुसी? पुलिस नु सूचना दे दित्ती असी। ते की कोई सट चोट भी लगी उन्होंने? सट चोट ज्यादा लग गई है, मुंह तो बड़ा सारा हिल गया, दंद भी बाहर निकल गई है, फ्रैक्चर भी दस्या, बाकी चरीटा भी ज्यादा। किथे दे वासी सर? रतनपुरा फवाड़ा। ते की मांग करदे हो प्रशासन तों? प्रशासन तों साडी जो भी है बंदी की जाए। लुटेरियां दी तस्वीरां उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई। उधर पुलिस अधिकारी ने दस्या कि पुलिस वल्लों लुटेरियां दी भाल की जा रही है। वक्त करीब 2:30-3 दे करीब रिचा तनेजा वासी गली नंबर 10 रतनपुरा आ रही सी अपनी स्कूटरी दे विच ते डाकखाना मोड़ लागे लई दो नौजवानों ने कोई इहदा पर्स खोह लिया जी, कुछ सट लगी है जी, तो हस्पताल दाखल है जी, तो जेड़े कैमरे खंगाले जा रहे हैं जी, तो दोषियों का पता करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। कितने लोग से जिन्होंने लुटखो की है? दो लड़के एक मोटरसाइकिल ते मुंह ते मास्क पाए हुए। तो पता लगा हुण तक कोई सामने आया तथ कि उहदे च पर्स किन्ने पैसे जी? पर्स ते उह हुण बयान उहदा दर्ज कर दे फिर पता लगेगा। ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਮਰੇ।